पाकिस्तान की सियासत में ज्याला महज एक लफ्ज ही नहीं, एक पूरी तारीख और कल्चर है। ऐसे पुरअज़्म और बाहिम्मत सियासी कारकुन जो भुट्टो के नाम पर मर मिटने को तैयार रहते हैं, लेकिन आज ये कारकुन परेशान और मायूस दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी मरकज और पंजाब दोनों जगह इक्तदार में है, लेकिन ज्यालों के मसाइल हल नहीं हो रहे। पार्टी के इक्तदार का एक और साल गुजर गया, लेकिन कारकुन वहीं का वहीं है। मसाइल ये हैं कि वर्कर पिस जाता है हमेशा ही, कोई पूछता नहीं है उसे। डंडे खाने के लिए वर्कर होते हैं और माल खाने के लिए लीडर होते हैं। पीपल पार्टी को असी वोट देते रहे हैं, इश्तिहार लाते रहे हैं, डंडे खाते रहे हैं, मारा खाते रहे हैं, लेकिन सानू अज तक पीपल पार्टी को लब्भा कुछ नहीं। घरों में जाके देखें, गुरबत चीखें मार रही है। किसी के घर आटा नहीं, किसी के घर बाहर वो बेचारे सफ़ेद पोश बन के आते हैं और अंदर उनके हालात जो हैं बहुत बुरी तरह से। पीपल्स पार्टी लाहौर के साबिक सदर चौधरी असगर गुजर कारकुनों के शिकवे शिकायत को गलत नहीं कहते। वो तस्लीम करते हैं कि उनके दौर में पार्टी कारकुनों के मसाइल हल नहीं हो सके। बेशुमार जो अहम पोस्ट हैं वो हमारे पास हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इन 3 सालों में कारकुनों के लिए वो काम नहीं कर सके जो हमें करने चाहिए थे। हमारे कारकुनों की कोई बड़ी डिमांड नहीं है, छोटे छोटे उनके मसाइल हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें कोई 20वें ग्रेड का अफसर लगाया जाए। वो कहते हैं मेरे बेटे को क्लैरिकल जॉब पे लगा दिया जाए, 5वें स्केल में 7वें स्केल में कोई नौकरी दे दी जाए। तो एक दो हमारे मिनिस्टर्स के अलावा बाकी लोग इस म्यार पर पूरा नहीं उतर सके। वफाकी वजीर समीना खालद घुरकी इस वक्त पीपल्स पार्टी लाहौर की सदर, जबकि फायजा मलिक वेमेन विंग के सदर हैं। इन दोनों खवातीन का कहना है कि वो घर घर जाकर कारकुनों से राबता करेंगी और उनके मसाइल हल किए जाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो हमारे लोग महसूस करते हैं तो अब उन तक मैं खुद पहुंचूंगी इंशाल्लाह। और ये जो वो कमी महसूस करते हैं कि लीडरशिप की और उनके दरमियान जो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन नहीं है या रबता नहीं है, उसमें इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। मैंने 4 रुकनी कमेटी अपनी खवातीन की बनाई हुई है। उसमें उन खवातीन की जिम्मेदारी है कि जिस वक्त अखबारों में इश्तहारात आएंगे, हम फौरी तौर पर वहाँ पर बच्चे बच्चियों को कह के अप्लाई कराएंगे, क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट है तमाम बच्चों की, उनकी एप्लीकेशनें भी हैं उसमें। चाहे मुझे खुद करना पड़ेगा, लेकिन हम वहाँ उनको एप्लीकेंट बनाएंगे। मौजूदा दौरे हुकूमत में गरीब और मुस्तहिक खानदानों की माली इमदाद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी शुरू किया गया। जेलों का कहना है कि उनके अपने मसाइल बेशक हल ना हो, गरीब शहरियों को इमदाद जरूर मिलनी चाहिए। लाहौर में इस प्रोग्राम के चेयरमैन खालिद महमूद कहते हैं कि 12 लाख खानदानों का सर्वे जारी है, जिसके बाद माहाना 1000 रुपये फी खानदान फ्राहमी शुरू कर दी जाएगी। 18 अक्टूबर से लेकर अब तक जो है वो तकरीबन 4 लाख के करीब जो है वो लाहौर में हाउस होल्ड जो हैं वो कवर हो चुके हैं। और लाहौर को हमने सर्वे के लिहाज से 2 हिस्सों में तकसीम किया है, ज़ोन 1 ज़ोन 2 में। यहाँ पर टीमें जो हैं वो तकरीबन 26 टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, वो फॉर्म फिल कर रही हैं। और एक टीम के अंदर जो है वो 11 एनुमरेटर जो हैं वो फॉर्म फिल कर रहे हैं घर घर जाकर। पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है और इसकी कामयाबियों में जियालों के किरदार और कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कारकुन ये उम्मीद रखते हैं कि पार्टी अहदेदार कुछ तवज्जो उनके मसाइल के हल पर भी देंगे। रहनुमाओं की वजाहतें और बयानात अपनी जगह, कारकुनों का ये शिकवा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो पार्टी मरकज़ और सूबे में बेक वक्त बरसरे इकतदार हो, उसके अपने कारकुनों के मसाइल हल होने चाहिए। कैमरा मैन आतिफ यासीन के साथ आमिर डार, सिटी 42।